साथियों, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके पीछे अनेक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं, अनेक अकाट्य साक्ष्य हैं। इनमें से एक अहम रेफरेंस तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में उत्तिर मेरुर नाम की जगह बहुत विशेष है। यहां 1100 से 1200 साल पहले के एक शिलालेख के उसमें भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां जो शिलालेख मिला है वो उस समय वहां की ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। इसमें बताया गया है कि असेंबली कैसे चलनी चाहिए, सदस्यों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस युग में भी उन्होंने तय किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है। सैकड़ों साल पहले की उस व्यवस्था में लोकतंत्र का बहुत बारीकियों के साथ विवरण मिलता है। साथियों, तमिल संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ है जिसने एक राष्ट्र के रूप में भारत को गढ़ा है, आकार दिया है। जैसे हमारे चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर दूरी पर कांचीपुरम के पास तिरुमुक्कुडल में वेंकटेश पेरुमाल मंदिर है। चोल साम्राज्य के दौरान बना ये मंदिर भी करीब करीब 1100 साल पुराना है। इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थरों पर लिखा है कि कैसे उस समय वहां 15 बेड का हॉस्पिटल मौजूद था। 1100 साल पुराने पत्थरों पर जो इंस्क्रिप्शन है उनमें मेडिकल प्रोसीडर्स के बारे में लिखा है, डॉक्टरों को मिलने वाली सैलरी के बारे में लिखा है, हर्बल ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है। 1100 साल पुराना हेल्थ केयर से जुड़े ये शिलालेख तमिलनाडु की, भारत की बहुत बड़ी विरासत है। साथियों, मुझे याद है कुछ समय पहले जब मैं चेस ओलंपियाड के उद्घाटन के लिए तमिलनाडु गया था, वहां मैंने तिरुवारूर जिले के प्राचीन शिव मंदिर का जिक्र किया था। ये बहुत प्राचीन चतुरंग वल्लभ नाथर मंदिर चेस के खेल से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही चोल साम्राज्य के दौरान तमिलनाडु से अन्य देशों तक व्यापार होने के कितने ही उल्लेख मिलते हैं। भाइयों और बहनों, एक देश के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस विरासत को आगे बढ़ाते, गर्व के साथ इसे दुनिया के सामने रखते। लेकिन पहले क्या हुआ आप जानते हैं। अब आप सबने ये सेवा करने का सौभाग्य मुझे दिया है। मुझे याद है जब मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल भाषा में तमिल से कोट किया था, तब देश और दुनिया के कई लोगों ने मुझे मैसेज करके खुशी जताई थी। मुझे जाफना जाने का अवसर मिला था श्रीलंका में। जाफना जाने वाला मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री था। श्रीलंका में तमिल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वहां के लोग लंबे समय से मदद का इंतजार कर रहे थे। हमारी सरकार ने उनके लिए भी कई काम किए।
तमिल लोगों को घर बना कर दिए। जब वहां गृह प्रवेश का समारोह हो रहा था तब एक बड़ा ही दिलचस्प आयोजन भी हुआ था। जैसे तमिल परंपरा है, गृह प्रवेश से पहले घर के बाहर लकड़ी पर दूध उबालने का एक कार्यक्रम होता है, मैंने उसमें भी हिस्सा लिया था। और मुझे याद है जब वो वीडियो तमिलनाडु में देखा गया, इतना मेरे प्रति प्यार बरसाया गया। डगर डगर पर आप अनुभव करेंगे कि तमिल लोगों के साथ, तमिलनाडु के साथ मेरा मन कितना जुड़ा हुआ है। तमिल लोगों की निरंतर सेवा करने का ये भाव मुझे नई ऊर्जा देता है।